वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है गॉल ब्लैडर। आज अपन किस पे डिस्कस करेंगे? गॉल ब्लैडर पे, जो क्या है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था लीवर। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या है, अपन अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसको क्या है दोबारा से एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था लीवर के बारे में। लीवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कितना वेट होता है, क्या इसके फंक्शन है, इन चीज़ों पे अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लीवर लीवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या है स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या है, दो अनइक्वल साइज और शेप के क्या है लोब प्रेजेंट होते हैं। तो लीवर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की एक क्या है स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या है दो लोब प्रेजेंट होते हैं जो क्या है अनइक्वल साइज के और होते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर है वो क्या है, अपनी जो बॉडी है उसके अंदर क्या है एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। जिसका वेट क्या होता है, वेट अबाउट 1.5 किलोग्राम होता है। तो लीवर का वेट कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, जो अपना अपर पार्ट होता है किसका, एब्डोमिनल कैविटी का, वहां पे क्या है जो अपनी लीवर है वो प्रेजेंट होती है। लीवर इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल। लीवर क्या करती है, डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है, सिस्टम जो है उसका क्या है एसेसरी ऑर्गन है, और ये क्या करती है बाइल का जो है उसको प्रोडक्शन करती है। तो लीवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं जिनकी क्या है साइज और शेप अनइक्वल होता है, यानी कि बराबर नहीं होते हैं। यह अपनी जो बॉडी है उसके अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसका वेट जो है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह जो अपने अपर पार्ट जो है एब्डोमिनल कैविटी का, वहाँ पे क्या है ये सिचुएटेड रहती है। और ये जो है लीवर जो है वो क्या है एसेसरी ऑर्गन है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, और क्या करती है बाइल का प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है। ये क्या है अपना जो एंटीरियर व्यू है वो क्या है अपना लीवर का, जिसके अंदर क्या है लेफ्ट लोब है और राइट लोब है, दोनों दिखाए गए हैं जो क्या है डिफरेंट साइज और शेप के इसके अंदर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है अपना ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लीवर, यानी कि लीवर जो है उसके साथ साथ कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। तो अपन सुपीरियरली और एंटीरियरली की बात करें तो क्या है डायफ्राम और जो अपना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो क्या है जो अपनी लीवर है उसके सुपीरियर एंटीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना इंफीरियरली, इंफीरियरली में क्या है स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडिनम, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन, राइट किडनी एंड एड्रेनल ग्लैंड, ये क्या है जो अपनी लीवर है उसके इंफीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली में क्या है इसोफेगस, इंफीरियर मेना केवा, आयोटा, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कोलम, और जो अपना डायफ्राम है वो क्या है अपने जो लीवर है उसके पोस्टीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
लेटरली की बात करें तो लीवर, लोअर रिब्स एंड जो अपना डायफ्राम है वो क्या है, जो अपनी लीवर है उसके लेटरल भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गन एसोसिएट की बात करें तो सुपीरियर और एंटीरियर भाग के अंदर क्या है, डायफ्राम और जो अपना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो क्या प्रेजेंट होती है। इंफीरियरली की बात करें तो अपने स्टोमक, बाइल डक्ट, ड्यूडिनम, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन, राइट किडनी और जो अपनी एडनल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर की बात करें तो अपने इसोफेगस, इंफीरियर वेना कैवा, आयोटा, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड जो अपना डायफ्राम है वो प्रेजेंट होता है। और लेटरली की बात करें तो जो अपनी लोअर रिब्स ऑफ द डायफ्राम है वो प्रेजेंट होती है। ये अपने लिवर का डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर कौन से ऑर्गन है वो कैसे कैसे एसोसिएटेड है। The liver is enclosed in a thin elastic capsule and incompletely covered by layer of peritoneum. जो लीवर है वो क्या है, enclosed in a thin elastic capsule and incompletely covered by a layer of peritoneum. The fold of the peritoneum forms supporting ligament attaching the liver to the inferior surface of the diaphragm. It is held in position partially by these ligament and partially by pressure of the organ in the abdominal cavity. The liver has four lobes. Liver के अंदर चार lobes होते हैं. The two most oblique lobes are the large right and the smaller bit shape in left lobe. जो right है वो क्या है, बड़े होते हैं. जो left है वो क्या है, smaller होते हैं. The other two calculated and quadrate lobes are areas on the posterior surface. Portal fissure. This is the name given to region on the posterior surface of the liver where various structures enter in the and leave the glands. The portal vein enter carrying blood from the stomach, spleen, pancreas and the small and large intestine. The hepatic artery enter carrying arterial blood. It is a branch from the celiac artery, which is the branch from the abdominal aorta. The nerve fibers, autonomic, interhere, sympathetic and parasympathetic. The right and left hepatic duct leave carrying bile from the liver to the gallbladder. Lymph vessels leave the liver, draining some lymph to abdominal and some to thoracic node. Then after है, blood supply कौन करता है?
द हेपेटिक आर्टरी एंड द पोर्टल वेन टेक ब्लड टू द लीवर. जो हेपेटिक आर्टरी वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है. जो पोर्टल वेन है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है. द हेपेटिक वेन वेरिंग इन द नंबर लीव द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इमीडिएटली इंटर द इंफीरियर वेना केवा जस्ट बिलो द डायफ्राम. फंक्शन ऑफ द लीवर, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ एथेनॉल, इनएक्टिवेशन ऑफ हॉर्मोन्स. ये क्या है अपने फंक्शन है किसके, लीवर के. नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए का सिंथेसिस होता है लीवर के द्वारा. हीट का प्रोडक्शन करती है लीवर. बाइल का सिक्रेशन करती है. स्टोरेज किन किन चीज़ों का होता है यहाँ पे, सब्सटेंस इंक्लूड फैट सोल्युबल विटामिन, विटामिन ए डी एंड ई के, आयरन कॉपर, सम वाटर सोल्युबल विटामिन. ये क्या है, स्टोरेज होते हैं. देन आफ्टर अपनी आती है कंपोजिशन ऑफ बाइल. द बाइल अबाउट 500 ml ऑफ बाइल आर सीक्रेट बाय द लीवर पर डे. 500 ml बाइल का क्या है, पर डे सीक्रेशन होता है. कौन करता है, लीवर करती है. बाइल बनती किन किन चीज़ों से है, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं, मेलानिन बिलरुबिन हो गया, बाइल साल्ट हो गया, बाइल एसिड, कोलिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, बाइल की कंपोजिशन करती हैं. कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ये सारी की सारी क्या करती हैं, बाइल का कंपोजिशन करती हैं. नैनाट्र अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है, गॉल ब्लैडर. द गॉल ब्लैडर इज ए पियर शेप सैक अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर बाय कनेक्टिव टिश्यू. जो गॉल ब्लैडर है वो क्या है, पियर शेप का सैक है जो कहाँ पे अटैच होता है, अटैच टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर. पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर में अटैच रहता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा. इट हैज ए फंडस और एक्सपेंडेड एंड ए बॉडी और मैन पार्ट एंड नेक विच इज कंटिन्यूस विद द सिस्टिक डक्ट. देन आफ्टर अपने आती है स्ट्रक्चर. द गॉल ब्लैडर इज हैज द सेम लेयर ऑफ टिश्यू एंड दोज डिस्क्राइब इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विद सम मॉडिफिकेशन. जो गॉल ब्लैडर है वो क्या है, सेम लेयर होती है उसके अंदर टिश्यू की, जो क्या है अपनी जो बेसिक स्ट्रक्चर है एनिमल एलिमेंट्री कैनाल की उसके अंदर दर्शाई गई है. और इसके अंदर जो कुछ मॉडिफिकेशन है वो कौन से हैं, पेरिटोनियम. पेरिटोनियम कवर ओनली द इंफीरियर सरफेस. द गॉल ब्लैडर इज इन कॉन्टेक्ट विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर एंड इज हेल्ड इन प्लेस बाय द विसरल पेरिटोनियम ऑफ द लीवर. म्यूकस लेयर, दिस इज ए एडिशनल लेयर ऑफ द ऑब्लिक मसल्स फाइबर. म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्प्ले स्मॉल रफ विद व्हेन द गॉल ब्लैडर इज इम्पटी द डिसअपीयर व्हेन इट इज डिस्टेंडेड विद बाइल.
देन आफ्टर अपनी आती है ब्लड सप्लाई. द सिस्टिक आर्टरी ए ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द गॉल ब्लैडर. सिस्टिक आर्टरी है वो क्या है, ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द गॉल ब्लैडर. ब्लड इज ड्रेन अवे बाय द सिस्टिक वेन विच जॉइन देयर पोर्टल वेन. सिस्टिक आर्टरी है वो क्या करती है, गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करती है, जो किसकी ब्रांच है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है. और ड्रेनेज कौन करता है, सिस्टिक वेन करती है. और सिस्टिक वेन किससे कनेक्ट होती है, पोर्टल वेन से कनेक्ट होती है. देन आफ्टर आती है अपनी नर्व सप्लाई. नर्व इम्पल्स आर कन्वे बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स. जो अपनी गॉल ब्लैडर है उसकी नर्व सप्लाई कैसी होती है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम जो है वो क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है. और इसके अंदर ऑटोनोमिक के अंदर क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो है वो दोनों के दोनों मिलकर क्या है, इम्पल्स जनरेट करती हैं और कन्वे करती हैं. नेक्स्ट है अपना फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर के फंक्शन क्या क्या है, दीज इंक्लूड रिजर्वर ऑफ बाइल. बाइल का क्या है, रिजर्वर है. कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल बाय अप टू 10 और 15 फोल्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द वॉल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर. रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल, जो बाइल की जो आपने स्टोर किया उसको क्या करते हैं, रिलीज करती है. वेन द मसल्स वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर contract bile pass through the bile duct to the duodenum. Concentration is stimulated by CCK hormone. CCK hormone secret कौन करता है, duodenum करता है. The presence of the fat and acid chyme in the duodenum. ये क्या है अपने जो function है किसके, gallbladder के. और ये जो है आज अपनी जो digestive system है वो क्या है, complete हो गया. आप सभी इस unit के notes prepare कर लेना. जो मोस्ट क्वेश्चन जो है इस मिनट के वो आपको नेक्स्ट क्लास में या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसके अंदर आपको करवा दिए जाएंगे. सभी अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना. जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी उस टाइम पर आपके सभी के नोट्स चेक किए जाएंगे. और कल से अपन क्या है, जो नई यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे.